या आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजय लक्ष्मी। मथुरा तिहरे हत्याकांड में न्यायालय ने सुनाया फैसला, एक को मृत्यु दंड तो दो को आजीवन कारावास। बता दें कि मथुरा थाना राया क्षेत्र के गांव भाराऊ में 18 जून 2018 को रात्रि में गांव के ही तीन लोगों ने सुंदर सिंह, भवर सिंह और सत्य प्रकाश को मौत के घाट उतार दिया था। अदालत ने तिहरे हत्याकांड में 302 का मुकदमा दर्ज विवेचना में आए थे। दोषियों के नाम जिनमें चंदन सिंह को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और अन्य तीन दोषियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय एडीजे अमर सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। ब्यूरो चीफ नरेंद्र गौतम के साथ प्रदीप निवोड़िया की रिपोर्ट। आज हमारे यहाँ एक राज्य बनाम चंदन सिंह 320 थाना राया का मुकदमा था जिसमें जजमेंट हुआ है। ये जो है इसमें तीन अभियुक्तों, एक अभियुक्त चंदन सिंह को जो है मृत्यु दंड दिया गया है और तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। मामला क्या था? ये मामला ये था कि ये जो है एक वादी हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी 18 जून 2018 की रात्रि को गांव भरऊ थाना राया में जो है सत्य प्रकाश, भंवर सिंह फौजी और सुंदर सिंह की हत्या कर दी गई थी रात्रि में। तीनों हत्याएं एक ही रात्रि में हुई थी, थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर, और अज्ञात में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस विवेचना के दौरान इसमें पांच लोगों के नाम प्रकाश में आए, गजराज सिंह, चंदन सिंह, कालीचरण, अनिल और श्रीमती भागो और भगवती देवी। तो भगवती देवी पर 120वीं का षड्यंत्र का आरोप था जो अभियोजन की तरफ से सिद्ध नहीं हो पाया। तो बाकी चार लोगों में जो है दोष सिद्ध हुआ है और एक चंदन सिंह को मृत्युदंड दिया गया है, बाकी तीनों को जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.